हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज मैं अपना डे वैलेंटाइन डे स्पेशल मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। आई होप सब लोगों को जरूर पसंद आएगा। और ये बहुत ही सिंपल एंड इजी सा मेकअप लुक है जो कि मैं करती हूँ, आप लोग को जरूर पसंद आएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना मेकअप लुक। अगर आप लोग को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मेकअप लुक। सबसे पहले मैं अपने फेस पे मॉइस्चराइजर लगाऊंगी। मॉइस्चराइजर के लिए मैं हमेशा ही यूज करती हूँ सेटाफिल का मॉइस्चराइजर। अभी मेरा फेस पे कोई भी कुछ भी मेकअप नहीं है, वॉश फेस है। तो आज मैं सबसे पहले ये मॉइस्चराइजर यूज करूंगी सेटाफिल का। ये बहुत ही अच्छा वाला मॉइस्चराइजर है। ये मॉइस्चराइजर चेहरे को बहुत ही अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज करता है। ड्राई टू ड्राई स्किन को भी बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है। सबसे पहले बाल टाई कर लेती हूँ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है इसकी वजह से। देन मैं यूज कर रही हूँ प्राइमर। तो मेरे पास है लैक्मे एब्सोल्यूट का ब्लर परफेक्ट प्राइमर। तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया है प्राइमर। देन मेरी आईज के नीचे थोड़े से हल्के हल्के से डार्क सर्कल है, उसके लिए मैं कंसीलर का यूज़ करूंगी, मतलब ऑरेंज करेक्टर यूज़ करूंगी। देन मेरे यहाँ पे कुछ पिंपल्स के, यहाँ पे अभी रिसेंटली मेरी बहन की शादी में गई थी तो कुछ उल्टा सीधा बहुत खाया था तो पिंपल्स यहाँ पे आ गया। तो पिंपल्स का एक यहाँ पे निशान है, थोड़ा बहुत यहाँ नाक के नोज के आसपास हल्की सी ब्लैक ब्लैक सा है, तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा ऑरेंज करेक्टर यूज करूंगी। तो उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये इनसाइट का ऑरेंज करेक्टर व्हील, ये वाला। ये मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। मैंने थोड़े दिन पहले ही आप लोगों को अभी दिखाया था। और इसे मैं हाथ से ही ब्लेंड करना पसंद करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो मैं जल्दी से कर लेती हूँ इसे अप्लाई। कि मुझे हाथ से ब्लेंड करना बहुत पसंद है। और ये इतना अच्छा वाला कंसीलर है कि मतलब बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाता है फेस। थोड़ा सा मैं नोज के दोनों साइड भी लगाऊंगी इसे। अब इसी से मैं दूसरा सेट लेके, जो कि मेरी स्किन से मैच करता होगा, इसमें ऑरेंज करेक्टर को थोड़ा सा बिल्डअप करूंगी कि मतलब ये मेरा स्किन टोन का हो जाए थोड़ा सा, जिससे डार्क सर्कल बिल्कुल चले जाए और ये थोड़ा सा एरिया जो हाईलाइट होने लगे। तो इसके लिए मैं यूज करूंगी ये वाला कलर। तो ये मैं हाथ से ही लगाना पसंद करती हूँ, मुझे लगता है हाथ से ना अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। आप देख सकते हैं फर्क, और ये मेरे स्किन के कलर से मैच होने लगा। मैं जब फाउंडेशन अप्लाई करूंगी तो ये अच्छे से मेरे डार्क सर्कल को हाइड कर देगा। जो पिगमेंटेड एरिया थे जहाँ पे मैंने ये ऑरेंज करेक्टर यूज किया था, वहां मैं इसे ही अप्लाई करूंगी। तो मेरा बेस जो है वो डन हो चुका है, और देन मैं फाउंडेशन अप्लाई करूंगी। और ये इनसाइड का कंसीलर व्हील जो है बहुत बहुत अच्छा है, डेफिनेटली आपको ये परचेज करना चाहिए। और आज के वीडियो में जो भी प्रोडक्ट मैं यूज करने वाली हूँ, सबके लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएंगे। सारे ही प्रोडक्ट मैंने अमेजोन से परचेज की है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगी और क्या क्या है। देन मैं फाउंडेशन के लिए दो फाउंडेशन को यूज करने वाली हूँ, क्योंकि ये वैलेंटाइन डे लुक है तो मुझे लगता है मेरा फेस ना ग्लोई ग्लोई सा लगे, अच्छा लगे, इसलिए मैं यूज कर रही हूँ लैक्मे का फिट मी। एंड देन मैं यूज कर रही हूँ ये लॉरियल का 24 आवर्स फाउंडेशन। दोनों को मिक्स करके ही यूज करने वाली हूँ मैं। मैबलिन में मेरा शेड जो है 128 है, और जो लॉरियल में मेरा शेड है वो है 147। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लूंगी, देन इसे अप्लाई करूंगी। मैं हमेशा पहले डॉट डॉट कर लेती हूँ, देन मैं अप्लाई करती हूँ। और अभी मैं कैमरे में देख के ही मेकअप कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा मैं नेक वाले एरिया पे भी लगाऊंगी, क्योंकि ऐसा ना हो कि फेस तो चमक रहा है और नेक वाला एरिया मेरा। तो मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ ये कलर बार का एक ब्यूटी ब्लेंडर है, तो मैंने इसे वेट कर लिया था। देन मैं इसे अब फाउंडेशन को डैप डैप करके पूरा अप्लाई कर लूंगी। तो एक तरफ फाउंडेशन अप्लाई हो चुका है, आप देख सकते हैं डिफरेंस दोनों साइड में। और आप चाहें तो ब्यूटी ब्लेंडर से, या फिर आप चाहें तो जो मेकअप ब्रश आता है, जो फाउंडेशन ब्रश आता है, आप उससे भी अप्लाई कर सकते हैं, आप हैंड से भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे अभी आपको सुटेबल लगे आप अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। मुझे इससे काफी अच्छा लगता है। फाइनली बेस मेकअप जो है वो मेरा रेडी हो गया, मतलब फाइनली जो है फाउंडेशन जो रेडी हो गया। और अभी थोड़ा सा ये ज्यादा व्हाइटनेस लगे, थोड़ी देर बाद ऑक्सीडाइज होता है तो ये नॉर्मल हो जाता है। और मैंने फाउंडेशन अपने फेस के अलावा गले पे भी अप्लाई किया है, जिससे ना दोनों चीजें सेम लगे, कुछ अलग सा ना लगे। वो बहुत अच्छी तरीके से दोनों फाउंडेशन ने अप्लाई हुआ, दोनों फाउंडेशन ने बहुत अच्छा मतलब
अच्छा सा असर आया है उसका, आप देख सकते हैं। अभी मैं जब आईज में आई मेकअप और सब करूंगी तब तक ये सेट हो जाएगा अच्छी तरीके से। और जब लगाते हैं ना उस टाइम पे थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, बट थोड़ी देर बाद ये एकदम सेट होके बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरा ये। देन मैं कॉम्पैक्ट की, वैसे तो मैं कॉम्पैक्ट नहीं यूज़ करूंगी, बट मैं थोड़ा सा आईज के पास में कॉम्पैक्ट यूज़ करूंगी क्योंकि विंटर में स्किन वैसे भी थोड़ी सी ड्राई ड्राई हो जाती है, तो मैं कॉम्पैक्ट स्किप ही करती हूँ। बट मैं थोड़ा सा यूज़ करूंगी आईज के आसपास, थोड़ा सा जो वहाँ पे जैसे मैं आईज के आसपास जो भी अप्लाई करूँ तो अच्छे से आए और मेरे जो हाईलाइटिंग एरिया है उन पर थोड़ा सा अच्छा लगे। तो कॉम्पैक्ट की जो मैं यूज़ कर रही हूँ, ये मैं कॉम्पैक्ट में मैं यूज़ कर रही हूँ ये मैबेलिन का फिट मी 120 नंबर सेट फॉर कॉम्पैक्ट। और प्लीज़ ना आप लोग जज मत करना क्योंकि मैं जिस तरीके से मेकअप करती हूँ अपना नॉर्मल मतलब सिंपल तरीके से वही मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। मुझे लगता है आप इससे और भी बेटर कर सकते हैं, तो मैंने कॉम्पैक्ट कर लिया है अप्लाई। देन बारी आती है आई मेकअप की, आई मेकअप स्टार्ट करते हैं फिर बाद में मैं बाकी सब फेस का करूँगी। तो सबसे पहले मैं अपनी आईब्रो करूँगी। आईब्रो के लिए मेरा बहुत ही सिंपल सा फंडा है जो मैं आईब्रो करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास है ये आईब्रो ब्रश और मैं अभी तक तो मैं आईब्रो के लिए ना हमेशा से एक किसी भी आई शेडो का जो डार्क ब्राउन शेड होता है उसे यूज करती थी, बट अभी मैंने रिसेंटली अपने लिए एक आईब्रो किट भी खरीदा है तो आज मैं उसे यूज करने वाली हूँ। तो मेरे पास है ये स्विस ब्यूटी का आईब्रो किट और आज मैं इसे ही आईब्रो में यूज करने वाली हूँ। और इसमें मिरर है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें से मैं ये वाला कलर लूंगी जो डार्क ब्राउन है, ये वाला कलर लूंगी मैं और मुझे यही कलर पसंद है अपनी आईब्रो के लिए। और मैं ज्यादा कुछ आईब्रो में नहीं करती हूँ कि मतलब उसे दुनिया भर का मुझे लगता है मेरे से खराब हो जाएगा, तो मैं ये वाला कलर लूंगी और आईब्रो अप्लाई कर लेती हूँ, एक्सेस निकाल दूंगी। तो मैंने एक आईब्रो को कर लिया है सेट, देखिए दोनों में डिफरेंस देखिए। आईब्रो करने के बाद में चेहरे का लुक एकदम चेंज हो जाता है, तो ये देखिए मैंने एकदम सिंपल तरीके से अपनी आईब्रो को फिलअप कर लिया है। देन मैं अब इसे भी कर लेती हूँ और आईब्रो मुझे लगता है ब्राउन कलर से करने पे बहुत नेचुरल सा लुक आता है, ब्लैक पे ना एक अलग ही लगने लगता है बिल्कुल, तो मैं हमेशा ना ब्राउन कलर ही प्रेफर करती हूँ। तो मैं इस ब्रश से ही ना एक लाइन सी बना लेती हूँ जैसा मुझे आईब्रो को शेप देना होता है। तो मेरी दोनों आईब्रो डन हो चुकी हैं आप देख सकते हैं। और जैसे कि ये जो है मेकअप है वो वैलेंटाइन डे स्पेशल है, मैंने टॉप भी रेड कलर का पहना, तो मैं आईज पे थोड़ा सा मतलब मैं चाहती हूँ तो आईज मेरी थोड़ी सी ब्राइट ब्राइट सी लगे, तो लाइनर मैं आज स्किप करने वाली हूँ। एंड आई शेडो में मैं थोड़ा सा ग्लिटर विल्टर यूज़ करने वाली हूँ, ग्लिटर आई शेडो यूज़ करने वाली हूँ थोड़ा सा स्पार्कल वगैरह वाला, तो आईज मेरी अच्छी लगे तो मैं यूज़ करती हूँ आई शेडो। आई शेडो पैलेट में मेरे पास आया ये वाला आई शेडो पैलेट आज मैं यूज़ करने वाली, जो कि है ब्यूटी ग्लेज्ड का आई शेडो पैलेट, क्योंकि इसमें बहुत सारे कलर है और मुझे बहुत पसंद आते हैं सारे कलर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक बेस लगाऊंगी इसके ऊपर जिससे कि जिस सारे कलर मेरे ऊपर अच्छे से अप्लाई हो जाए, मतलब इसी का एक बेस कलर लेके लगाऊंगी। और मैं बहुत सिंपल सा ही मेकअप करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा कट क्रीज वगैरह बनाना नहीं आते हैं। पहले एक फ्लैट ब्रश से मैं थोड़ा सा अपने वो कर लेती हूँ। तो मैंने एक ये वाला कलर लेके सिंपल सा, अरे यार भागो मत आराम से रहो, बहुत ही सिंपल सा ही मेकअप करूँगी, बहुत ज़्यादा वैसा नहीं। तो मैं एक ये वाला कलर लेके, ये जो कलर है लाइट क्रीम सा कलर है, मैं इसे लेके अपनी पूरी आईलेट पे लगाऊंगी जिससे मैं कोई कलर लगाऊं तो वो अच्छे से दिखे। तो मैंने देख लीजिए बेस एक लगा लिया है हल्का सा ये वाला कलर। अब दिन मैं अपना कलर जो मुझे लगाना चाहती हूँ मैं वो कलर लगाऊंगी। मैं चाहती हूँ मेरी थोड़ी आंखें जरा ब्राइट ब्राइट सी लगे क्योंकि मैं लाइनर नहीं लगाऊंगी। और मैं लिपस्टिक डार्क न्यूड या डार्क देखो कैसी लगाती हूँ, बाद में देखने को पता चलेगा क्योंकि लिपस्टिक का भी ऐसे मैंने कुछ सोचा नहीं, क्योंकि मुझे इस टाइम में न्यूड कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो गाइस मैं अपनी आईज को रखने वाली हूँ थोड़ा सा न्यूड टाइप का, मतलब ना लाइट कलर रखने वाली हूँ क्योंकि लिपस्टिक मैं ब्राइट लगाने वाली हूँ आज। ये वाला आई शेडो मैं लगाने वाली हूँ, इसके अलावा मैं कुछ ज्यादा नहीं करूंगी। मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी एक ब्लेंडिंग ब्रश से, मेरे पास अभी कोई बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ब्लेंडिंग ब्रश नहीं, तो जो भी है मैं उससे ही कर रही हूँ। और आप इसे हाथ से भी कर सकते हैं, मुझे फिंगर से करना ज्यादा अच्छा लगता है, मैं फिंगर से ही करूंगी इसे
अच्छी तरीके से ब्लेंड। अभी कोई मुझे मिरर मिल नहीं रहा था, मेरे घर में इस टाइप का एक मिरर था तो उसे ही मैंने यूज कर लिया है आज। बहुत ही इजी और दो कलर मिलके मेरा सिंपल सा आई मेकअप हो गया, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देन मैं दूसरी आई में भी अप्लाई कर लेती हूँ, देन मैं आपसे मिलती हूँ। तो आई मेकअप तो फाइनली डन हो गया। मैं चाह रही हूँ मैं इसमें जो ग्लिटर्स हैं उनको भी यूज़ करूँ थोड़ा सा। जो ये ग्लिटर्स हैं मैंने आज तक कभी यूज़ नहीं किया, मतलब ऐसे वो कंसीलर लगाने के बाद। मैं आज चाह रही हूँ मैं कंसीलर लगा के इन वाले ग्लिटर को यूज़ करूँ, तो आज मैं आपके सामने ही यूज़ करूँगी, देखती हूँ कैसा लुक आता है इनका। देन मैं चाह रही हूँ मैं इसमें से जो ना मरून वाला कलर है वो लगाऊँ, जिससे मेरी आईज ना मेरे टॉप के मैचिंग की लगे और अच्छी लगें। तो मैं हाथ से ही इस ग्लिटर को यूज़ करने वाली हूँ, थोड़ा सा ब्लेंड कर दूंगी, और क्योंकि मुझे थोड़ा सा यहाँ पे लुक। मैंने अपनी पूरी ही आई पे ये वाला ग्लिटर यूज़ कर लिया, रेड कलर वाला जो मरून ग्लिटर था, क्योंकि वो थोड़ा सा लगाया तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने पूरी ही आईज पे यूज़ कर लिया। देन मैं सेम इस वाली आईज पे भी यूज़ कर लेती हूँ, देन आपसे मिलती हूँ। तो आई मेकअप कर लिया है मेरा डन, दोनों आईज पे अपने में मैंने मरून कलर का स्पार्कल लगा लिया है, जो कि मेरे ड्रेस से एकदम मैच कर रहा है और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। तो ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा और डेट मतलब बोल सकते हैं नाइट लुक के लिए भी बहुत ही अच्छा। अगर नाइट में आप किसी पार्टी वगैरह में जा रहे हैं तो अब भी बहुत ही अच्छा लगेगा ये वाला आई मेकअप, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मतलब सिंपल सा था कि एक गोल्डन हाईलाइटर गोल्डन शेड लगाया अपनी आंखों पर, देन मैंने ये मरून कलर का हाईलाइटर लगा लिया सेम आई शेडो पैलेट से। देन मैं आप मस्कारा अप्लाई करती हूँ। मस्कारा अप्लाई करने से पहले मैं अपनी आईलेसेस को कर्ल करूंगी। कर्ल करने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी वेगा का आईलेस कर्लर, जो कि इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि मैं फेक लेसेस नहीं यूज करने वाली हूँ, तो मैं आईलेसेस कर्लर का यूज कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं यूज करूंगी अपना फेवरेट मस्कारा। मेरे पास बहुत सारे मस्कारे हैं, बट ये वन ऑफ द फेवरेट मस्कारा है मेरा। मैं आपको दिखाती हूँ, ये मार्स का, जब से ये मस्कारा मैंने यूज किया, रियली रियली अमेजिंग मस्कारा। अभी आप डिफरेंस खुद देखना। तो मिरर में मैं आज यही वाला मिरर यूज कर रही हूँ। आप लोग कमेंट मत करना कि किस टाइप का चीप मिरर, बिकॉज ये मिरर अभी सामने ही पड़ा हुआ था यहाँ पे और मुझे अपना मिरर मिल नहीं रहा था, तो मैं इसी का यूज कर रही हूँ। तो डिफरेंस आप खुद देख सकते हैं दोनों आईज में, कितना अच्छा काम किया है मस्कारा ने। बहुत ही अच्छा मस्कारा है, हाईली सजेस्टेड है कि डेफिनेटली परचेज करना चाहिए वाला मस्कारा। तो फाइनली जो है आई मेकअप डन हो गया। मैं आप काजल की जगह पे ब्राउन कलर का काजल यूज करने वाली हूँ, देन मैं उसे मैच कर दूंगी। और मुझे वो बहुत पसंद है अपना काजल। अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपको दिखाया अभी तक कि मैं यूज करने वाली हूँ ये लैक्मे का ब्राउन काजल, जो कि मेरा फेवरेट हो गया है और ये मुझे काफी काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि ये आईज पे काफी अच्छा लुक देता है। देन मैं इसे हल्का सा मैच कर लूंगी सेम कलर के कोई आई शेडो से, जो ब्राउन कलर का होगा। मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का ये आई शेडो पैलेट, जिससे मैं ये ब्राउन वाला कलर ले रही हूँ और आई शेडो जो मैंने काजल लगाया उसे थोड़ा सा अच्छा सा लुक दूंगी। मैं हल्का सा गोल्डन वाला कलर लेके उसे भी नीचे थोड़ा सा अपने गोल्डन हाईलाइट करूंगी काजल वाले एरिया को, काफी अच्छा लगता है ये लुक भी। तो आई मेकअप डन हो गया है, मेरी आईज मुझे काफी अच्छी लग रही हैं, आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को कैसी लग रही जरूर बताना। देन मैं अब फेस का मेकअप कर लेती हूँ, जो कुछ मेरा बचा हुआ है। सबसे पहले मैं यूज करने वाली हूँ ब्लशर का, और मैं कॉन्टोरिंग नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मेरा फेस ऑलरेडी इधर से बहुत पतला लगता है। मैं कॉन्टोरिंग कर लेती हूँ तो मेरा फेस एकदम ऐसा अजीब सा लगने लगता है, तो मैं ब्लश लगाऊंगी। सबसे पहले ब्लश के लिए मैं यूज कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का ये ब्लश, और इसका इसमें जो कलर है मेरा ये वाला कलर बहुत प्यारा है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप देख लेना।
ये मैं इतने चीक बोन्स पे लगाऊंगी, सिर्फ चीक बोन्स से थोड़ा यहाँ ले जाते हुए, जैसे कि ये मेरा ब्रॉन्जर और ब्लश दोनों का ही काम करे। बहुत ही लाइट कलर है जो कि बहुत ज्यादा प्यारा लगता है, बहुत ज्यादा ऑड नहीं लगेगा कि बहुत ज्यादा लगे कुछ लगा रखा है। डिफरेंस आप दोनों पे देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं अपनी नोज पे भी यूज करूंगी जैसे कि एक नेचुरल लुक आए, थोड़ा सा चिन वाले एरिया पे, थोड़ा सा फोरहेड पे भी। तो अप्लाई हो चुका है ब्लश, देन मैं हाइलाइटर यूज करने वाली हूँ। आज मैं हाइलाइटर जो यूज कर रही हूँ मास्टर क्रोम, मैबलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर यूज कर रही हूँ। रिसेंटली परचेज किया था, यूज नहीं किया था अभी तक, तो आज ही मैं ये यूज करने वाली हूँ। इसके लिए मैं छोटा फैन वेस्ट यूज करूंगी। तो मैं अपने ये इस वाले हाइलाइटेड इस वाले जो यहाँ पे यूज करूंगी मैं इसे। देन मैं थोड़ा सा अपनी नोज पे भी यूज करूंगी, थोड़ा सा फोरहेड पे और थोड़ा सा चिन पे। अब बात आती है लिपस्टिक, क्योंकि लिपस्टिक के बिना कोई भी मेकअप जो है वो कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब तक हम लिपस्टिक नहीं लगाएंगे कोई भी मेकअप जो है वो अधूरा ही लगता है। तो चलो लिपस्टिक लगा लेते हैं। लिपस्टिक के लिए मेरे पास 3 से 4 ऑप्शन, बस मैं चाहती हूँ कि ये वैलेंटाइन डे स्पेशल लुक है तो थोड़ी सी ब्राइट कलर की लिपस्टिक ही अच्छी लगेगी। तो मैं ये वाला रेड कलर यूज करने वाली हूँ, और ये जो लिपस्टिक है वो है स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक है ये वाली, और आज मैं यही यूज करने वाली हूँ क्योंकि ये मेरे कपड़ों से एकदम मैच करेगी और ये बहुत ज्यादा प्यारा सा लुक देगी। तो इसके लिए पहले मैं लिप लाइनर से लिप्स का शेप दे दूंगी, और आज मैं जो लिप लाइनर यूज कर रही हूँ कलर क्वीन का ये लिप लाइनर है, ये भी मैंने अमेजोन से मंगाया था, मैंने पहले आप लोगों को दिखाया भी था। तो पहले मैं लिप की शेप दे लेती हूँ, देन मैं लिपस्टिक फिल कर लेती हूँ। मैं पहले रफ ना थोड़ी सी इस लिप लाइनर से ही फिल करूंगी, देन मैं वो लिपस्टिक को अप्लाई करूंगी अपनी लिप्स पे। तो मैं अप्लाई करने वाली हूँ यार लिपस्टिक इसके ऊपर। लिप लाइनर से मैंने लिप्स को शेप दे दिया है और एक अच्छा सा। तो फाइनली लिपस्टिक लग चुकी है, और ये लिपस्टिक इस ड्रेस के साथ बहुत ही अच्छी लग रही है, और ये मेरे वैलेंटाइन डे का लुक तो बिल्कुल रेडी हो गया। मैं हेयर स्टाइल को बस हेयर स्टाइल में करना है क्या है, जस्ट मुझे अपने हेयर को करना है ओपन, थोड़ा सा करना है कॉम, हल्का सा कॉम करूंगी अपने, क्योंकि मेरे हेयर ऑलरेडी मैंने स्ट्रेट कर रखे थे 1-2 दिन पहले ही। और इयररिंग्स मैं पहनने वाली हूँ आज, क्योंकि मेरी ड्रेस जो है ब्राइट रेड कलर की है तो मैं कुछ गोल्डन कलर का पहनना चाह रही हूँ। तो मैं पहनने वाली हूँ ये वाले इयररिंग्स, बहुत ब्यूटीफुल से इयररिंग्स हैं। मतलब 3-4 इयररिंग्स के ऑप्शन थे, बट मैं पहनूंगी ये वाले इयररिंग्स। इनका लिंक भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ये ड्रेस इस ड्रेस के साथ बेखूबी जाने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगेंगे। और गले में मैं कुछ भी पहनने वाली नहीं हूँ, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाइलाइटर यूज करने वाली हूँ, जैसे कि ये ब्रॉड नेक है तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा सा लुक आए, तो मैं यूज कर लेती हूँ हाइलाइटर। तो मैं हो गई हूँ अपनी वैलेंटाइन डे लुक के लिए बिल्कुल रेडी। तो देख सकते हैं कैसा लग रहा है आप लोगों को मेरा लुक, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लास्ट में मैं अप्लाई करूंगी अपना फेवरेट परफ्यूम, जो कि मैंने थोड़े दिन पहले ही मंगवाया था। और आज जो मैंने टॉप पहन रखे हैं वो भी वैलेंटाइन डे के लिए ही लिया था, ये टॉप बहुत ही ब्यूटीफुल है। इस टॉप का भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।